नमस्कार, दलाल मीडिया पर आपका स्वागत है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने नए अपडेट में यूजर के लिए दो खास फीचर कंटिन्यूस वॉइस नोट और फॉरवर्डिंग इन्फो रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ये दोनों ही फीचर अब तक टेस्टिंग मोड में थे, लेकिन अब ये एंड्रॉयड के V2.19150 अपडेट के साथ उपलब्ध है। जानें दोनों फीचर की क्या खासियत है। पहला फीचर से कंटिन्यूस वॉइस मैसेजिंग फीचर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस फीचर के आने के बाद अब यूजर को हर ऑडियो नोट को अलग प्ले नहीं करना होगा। हालांकि यह लगातार भेजे गए वॉइस मैसेज के साथ ही काम करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले वॉइस नोट को प्ले करना होगा, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक वॉइस मैसेज अपने आप सीक्वेंस में प्ले हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे फीचर की, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन फीचर की। फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन फीचर को सबसे पहले अप्रैल में बीटा वर्जन में देखा गया था। फॉरवर्डिंग इन्फो के जरिए यूजर जान पाएंगे कि कोई मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। हालांकि यह जानकारी आपको तभी पता चल पाएगी जब आप खुद इसे किसी को फॉरवर्ड करेंगे। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई मैसेज कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है, तो इसके लिए आपको पहले इसे फॉरवर्ड करना होगा। इसके बाद ही आपको मैसेज इन्फो में नज़र आएगा कि कितनी बार इसे भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि ये दोनों नए फीचर का लाभ लेने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट करना होगा। सूत्रों के हवाले से एक नई खबर निकल के आ रही है कि फेसबुक जल्द ही दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप को मोनेटाइजेशन करेगा, जो 2020 तक संभव है।